हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउड मॉमी। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी वीक 28 की। प्रेगनेंसी वीक 28 यानी कि इस टाइम पे हैं आप अपने सेवेंथ मंथ में और आपका इस टाइम पे जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस हफ्ते आपके बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीकली टिप्स दूंगी जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अपने हस्बैंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते आपके छोटे से बेबी में और क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के जो साइज़ की। तो इस टाइम पर जो बेबी का साइज़ है वो है मोर देन 1 kg, और अगर मैं आपको बताऊँ ग्राम्स में तो लगभग 1100 ग्राम के करीब आपके बेबी का इस टाइम पे वेट है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो इस टाइम पे बेबी की लेंथ है लगभग 15 इंच के करीब। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो इस हफ्ते बेबी की बॉडी में चेंजेस आए हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है जो बेबी के आईज़ है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम तक जो बेबी के आईज़ हैं अब वो ओपन हो चुकी हैं। 28th वीक का ही माइलस्टोन है डेफिनेटली। तो बेबी की छोटी छोटी आईज़ जो है वो ओपन हो चुकी हैं। इससे पहले तक वो बंद रहती थी, यानी कि जो आईलिड्स है ये क्लोज रहते थे, और अब ये ओपन हो गई हैं। और अब आपको छोटा सा बेबी अपनी आईज़ ब्लिंक भी करता है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको आई से ही रिलेटेड एक चीज़ बता दूं कि इस टाइम पे जो रैपिड आई मूवमेंट होती है, यानी कि जैसे कि आपने अक्सर देखा भी होगा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपनी आईज लाइक थोड़ी थोड़ी ओपन करता रहता है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये मेरा बेबी है जब वो लाइक 1 month का था, उस टाइम की वीडियो है। तो इस तरह की मूवमेंट्स बेबी ने शुरू कर दी हैं। तो इससे अंदाज लगाया जाता है कि बेबी ने इस टाइम पे जो सपने देखना है, यानी कि जो उसके सपने आना है जो है, वो वाली चीज़ जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। तो जिस तरह से आप उसके लिए सपने देख रहे होंगे कि आप व्यू कैसा है, मे बी वो भी आपके लिए ही ड्रीम करता होगा कि आपके बारे में ही सोचता होगा, आपके बारे में मे बी उसको सपने आते होंगे। तो जो ये रैपिड आई मूवमेंट है ये भी बच्चे की अब शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, आपको लगता होगा कि पूरा दिन इस टाइम पे बेबी क्या करता है, वो अंदर क्या 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 चीज़ें करता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो आपका बेबी है वो पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम रह गया है उसको बाहर आने में। तो इसके लिए वो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, सकिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, और इसके अलावा ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है ताकि उसकी मसल स्ट्रांग हो सके। तो ये सारी उसकी एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे जो है वो चलती रहती हैं। इसके अलावा बात करें तो फ्रेंड्स, इस टाइम तक आपका जो बेबी है वो अपनी पोजीशन भी सेटल कर रहा है, यानी कि जो उसकी बर्थ पोजीशन है। तो इस टाइम तक जो आपका बेबी है वो आपकी बॉडी के नियरेस्ट एग्जिट तक जो है वो आ रहा है, यानी कि वो अपनी हेड डाउन पोजीशन में है, और वो इस टाइम पे लाइक डिलीवरी के लिए जो है वो अपनी बॉडी को सेटल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते जो आपकी बेबी की बॉडी में चेंजेस आए हैं। यही वो सब चीज़ें हैं जो आपका बेबी इस टाइम पे कर रहा है, जो इस हफ्ते आपकी बेबी में डेवलपमेंट चल रही है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं जो इस हफ्ते आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली अब जब आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर लिया है और इस टाइम तक आपके बेबी का साइज़ भी थोड़ा बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली उसका जो प्रेशर है वो आपके आपकी लोअर बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पर अगर आप जब रेस्ट करते होंगे या रात को सोते होंगे तो उस टाइम पर आपको काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता होगा, लेग्स में कुछ सेंसेशन सी फील होती होंगी, सोने में डिफ़िकल्टी होती होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो डेफिनेटली अब तो खैर आगे आगे करके बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा। ऑफ कोर्स थर्ड ट्राइमेस्टर है और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है तीनों ट्राइमेस्टर्स में से, क्योंकि अब तक आपका जो बेबी है उसका साइज़ बढ़ चुका है, एंड इवन अब बेबी जो है वो हेड डाउन पोजिशन में भी मोस्ट लाइकली जो है वो आ चुका है। तो अब आपको डिफ़िकल्टीज होनी शुरू हो गई होंगी, लेग्स में पेन है, बैक एक है, अचानक से टमी में एक तरफ नीचे की तरफ को पेन होना। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे फ्रेंड्स कॉमन है, एंड डू नॉट वरी, आप
आपको आपके लिए किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, ना ही आपके बेबी को इससे कोई हार्म हो रहा है। लाइक अगर आपको पेन हो रहा है इस तरह का, तो ये अभी रहेगा इस ट्राइमेस्टर में। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ जो अपनी मेडिसिंस हैं, जैसे कैल्शियम है, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बेबी के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि बेबी का भी इस टाइम पे यू नो ग्रोथ का टाइम है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे आप अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से अपना ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें। तो प्लीज़ आप अपनी प्रेनेटल मेडिसिंस जो हैं वो ज़रूर टाइम पे लें, और इसके अलावा जो अपना खाने पे हैं वो अच्छे से ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज़ है वो है सेंसिटिव स्किन। हालांकि इवन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव पहले से ना भी हो, बट इस टाइम तक आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, स्पेशली वो उसमें वो ड्राईनेस और इचीनेस थ्रू आउट द बॉडी हो जाती है। आप इस टाइम पे अपने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर करके रखें, क्योंकि स्पेशली अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स में ड्राईनेस ज़्यादा हो जाती है स्किन पे। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़र से कवर करके रखिए। एंड आप ऑयलिंग भी इसके अलावा कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्पेशली लाइक जो आपका टमी का एरिया है वहाँ पे लाइक आपको इचिंग अगर फील होती है और ड्राइनेस अगर ज़्यादा रहती है, तो उसको तो आपको दिन में लाइक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार आपको उसको मॉइस्चराइज करके रखना है, ताकि जो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो भी ना आए ज़्यादा। एंड अगर हो भी रहे हैं तो उसमें इचिंग ना हो, क्योंकि आप स्ट्रेच मार्क्स पे जितनी ज़्यादा इचिंग करोगे तो वो जो मार्क्स हैं वो उतने ज़्यादा और ज़्यादा बाद में विजिबल होंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखिए। इसके अलावा एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि आप इचिंग के लिए कैलेमाइन लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी इचिंग में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स, तो क्योंकि अब आपके बेबी का साइज बढ़ रहा है, तो वो आपके इंटरनली आपके सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं अराउंड द बेबी, वो उन पे प्रेशर बना रहा है। तो इस वजह से मे बी आपको हो सकता है कि आपको आपके रिब्स में पेन फील हो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप अपनी एक बार पोजिशन चेंज करके देख लीजिए उससे लाइक अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेबी की पोजिशन इस तरह से होती है कि आपके पर्टिकुलर जगह पे पेन होने लग जाता है, लाइक कभी रिब्स में या कभी लाइक टमी के एक तरफ या किसी भी तरफ। तो अगर आपको इस तरह से एकदम से तेज पेन हो रहा है या इस तरह का कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले एक बार अपनी पोजीशन जो है वो आप उसको चेंज कीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा इस टाइम तक ब्लोटिंग का भी इशू आपको हो सकता है, उसका रीज़न यही है क्योंकि साइज अब बढ़ रहा है, तो यू नो हर चीज़ के लिए लाइक आपका जो भी आप खाते हैं उसको भी जो डाइजेशन है वो भी स्लो हो रहा है, एंड क्योंकि सब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो प्लीज़ आप हल्की हल्की मील खाइए, एकदम से बहुत ज़्यादा मत खाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक की एक तो दिक्कत रहेगी और साथ में ब्लोटिंग और हार्ट बर्न की दिक्कत आपको हो सकती है, तो प्लीज़ आप छोटी छोटी मील लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस हफ्ते के टिप्स की। तो मैं टिप्स में आपको यही कहूँगी कि एक तो आपको अपने लेफ्ट साइड पर ही सोना है। आप जब भी रेस्ट करें ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लेफ्ट साइड पर सोएँ, और जब भी आप रेस्ट करें तो लाइक अपनी लेग्स के बीच में एक कुशन या पिलो रख सकते हैं, या फिर अगर आप सीधे होके सो रहे हैं तो लेग्स के नीचे पिलो रख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते के अपडेट्स, तो आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी। किसी भी तरह का कोई इश्यू है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड, तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड फॉर श्योर मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। सो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू।